ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हो रहे वे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को मिला पहला स्वर्ण। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं खुद का रिकॉर्ड तोड़कर मीराबाई चानू ने एक नया रिकॉर्ड दर्ज करते हुए 86 किलो उठाकर स्नैच का नया रिकॉर्ड कायम किया। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित वे राष्ट्रमंडल खेल में आज बैडमिंटन के मिश्रित टीम इवेंट में भारत ने श्रीलंका को 2-1, 1-5, 19-21, 2-2, 2-0 से हरा दिया है। भारत के प्रणव जैहरी चोपड़ा और ऋत्विका शिवानी ने प्ले गेम में श्रीलंका के सचिन रियास और थिलिना प्रमोदिका को आसानी से 2-1, 1-5 से हरा दिया। दूसरे गेम में सचिन और प्रमोदिका ने वापसी करते हुए दूसरा गेम 2-1, 1-9 से जीत कर मुकाबले को 1-1 से बराबरी पर ला दिया। तीसरे गेम का फैसला 2-2, 2-0 से भारत के नाम रहा। भारत के केशरी कांत ने श्रीलंका के निलुका करुणा रत्ने को बैडमिंटन के टीम इवेंट के एकल मुकाबले में 2-1, 1-6, 2-1, 1-0 से हरा दिया। उधर महिला हॉकी में भारत को वेल्स के हाथों 2-2, 3 से मात खानी पड़ी है। प्ले क्वार्टर में भारत की खराब रक्षा पंक्ति का फायदा उठाते हुए वेल्स के खिलाड़ी गोल करने में सफल रही। दूसरे क्वार्टर में वेल्स को पेनाल्टी कॉर्नर मिला जिसे उनके खिलाड़ी डॉसियान फ्रेंच ने गोल कर स्कोर को 2-2, 0 कर दिया। तीसरे क्वार्टर में भारत ने 2 गोल दागे और स्कोर को 2-2, 2 की बराबरी पर ला दिया। चौथे क्वार्टर के 3 मिनट प्ले वेल्स ने फील्ड गोल कर स्कोर 3-2, 2 कर दिया। टेबल टेनिस में महिला टीम स्पर्धा में भारत ने श्रीलंका को 3-2, 0 से हरा दिया है। भारत की तरफ से मिनका बत्रा, सुतीर्था मुखर्जी और ने एकल मुकाबले जीते जबकि युगल मुकाबले में भारत की पूजा और सुतीर्था ने श्रीलंका की हंसानी और इशारा मनिकू को शिकस्त दी।